हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो हो सकता है DFDM आपके थॉट ब्लॉक हुआ हो, पेन हो रहा हो, पर्टिकुलर एक जगह पे पेन हो रहा हो, थॉट में इरिटेशन बहुत हो रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, डिटैचमेंट फील कर रहे हो सबसे, मन नहीं है किससे बात करने का, ना कोई काम करने का, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, घर पे हो, बाहर हो, ऑफिस हो, जॉब, कैरियर, जो भी है, आपका मन नहीं है किसी भी काम में काम करने का, बात करने का मन नहीं है, डिटैचमेंट सबसे फील हो रही है, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली वाले हो, कोई भी आपको पसंद नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, आपको लगता है कि एकदम से गुस्सा आ जाता है और आपको ट्रिगर भी किया जाता है उनकी तरफ से, लेकिन आपका खुद से मन नहीं करता है उनके साथ डील किया जाए या बात की जाए। आप सबसे रूडली बिहेव कर सकते हो, चिल्ला सकते हो उनके ऊपर, आप उनसे बहुत ही चीक चीख के बातें कर रहे हो, आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हो, आपको मन करता है इनसे दूर ही हो जाओ, ऐसा आपका दिल कर रहा हो कि बिल्कुल सोशल मीडिया से भी कट आउट होने का मन, कि बिल्कुल ही खत्म कर दूं, कहीं से मेरा नामो निशान मिट जाए, ऐसे खुद को जैसे होता है ना, इंसान खुद ही परेशान हो जाता है कि मैं किसी को, किसी से बिल्कुल ही डिटैच, किसी की नज़रों में आऊं ना, मुझसे कोई बात ही ना करो, मुझे मन नहीं है किसी से बात करने का, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको फीलिंग हो रही होगी और आपको राइट साइड शोल्डर में पेन हो सकता है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत फियर से ऑपरेट कर सकते हो, और क्योंकि ये सब आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत एफर्ट कर लिया, आपको लगता है कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप सबसे डील करना पसंद नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो एनर्जी है, ये आपके DM की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो, और अचानक से आपका मूड स्विंग होना शुरू हो गया है, कभी कैसा कभी कैसा, कभी रोने का मन करता है, कभी दूर होने का मन करता है, कभी बिल्कुल ही अब मन करता है कि सबसे एकदम से सोशल मीडिया ही खत्म कर दो, बिल्कुल डिटैच कर दो, कोई अकाउंट नहीं रखना, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना, दिल में बहुत ही अलग अलग टाइप के ख्याल आते हैं, मतलब अलग अलग ही मूड आपके स्विंग हो रहे हों, ठीक है। और ना चाहते हुए भी आपको कार्मिक लोगों से डील करना पड़ रहा है, वो ट्रिगर करते हैं, आप मन नहीं होता उनसे कोई भी, उनसे बात करने का, लेकिन जब वो ज़्यादा ट्रिगर करते हैं तो आप चीखने चिल्लाने लग जाते हो उनके ऊपर, या रूडली बिहेव करना शुरू कर देते हो, और आप किसी से भी कार्मिक डील नहीं करना चाहते, लेकिन कर्मा है तो आपको पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप सैड एनर्जी में भी हो, अकेला रहना चाहते हो, डिटैच होना चाहते हो, खुद से ही किसी से मन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कार्मिक लोगों की वजह से ही आपकी खुशियां ऐसे छीन ली गई हों, और आपकी DF भी जिनकी वजह से आपने इनके साथ DF के साथ रूडली बिहेव किया था, वो भी आपको समझ आता है कि अब इन लोगों की वजह से ही मेरी लाइफ में सब कुछ एंड हो चुका है, मेरी DF मुझसे दूर जा चुकी है। आपके मन में ओवर थिंकिंग करते हो, फियर से ऑपरेट करते हो, कहीं ना कहीं आपने अपने आपको आइसोलेशन पोजिशन में रखा हुआ है कि मन नहीं है किसी से भी, बिल्कुल कट आउट करने का सोच लिया है, कोई सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते किसी को भी, ना डील करना चाहते हो, ना किसी से बात करना चाहते हो, सबसे कट आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो हो सकता है अभी इस टाइम आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, आप साइलेंट में भी चले गए हो, पीस चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि डिवाइन प्लान से ही आप लगता है कि अब जो भी लेसन है वो उसे सीख कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा है कि अभी डिवाइन जब तक नहीं जाएगा आप जाकर भी अपने DF से नहीं मिल पाओगे, ये डिवाइन का प्लान होता है, जब तक आप उनके लेवल के नहीं बनते हो DF के, तो आपको भी नहीं मिलने दिया जाता, और इधर से DF भी जब तक अपनी प्रॉब्लम या इश्यू हील नहीं करती है तो उनके लिए भी ये सब लागू होता है, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखा जाता है, ये सेपरेशन टाइम दिया जाता है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर लो और कार्मिक से अपना डील करो ताकि आप अपना कर्मा पे बैक कर सकें, ठीक है। तो हो सकता है अभी आप लोग दोनों जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से कि हमें मिलवा दिया जाए या हमारे जो इश्यू हैं वो हील हो जाए, तो आप प्रेयर भी कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है। तो एक सिचुएशन ये है कि कुछ DM और DF पीस में है और बैलेंस में है, दोनों
को ही अबेंडेंस ग्रोथ मिल रही होगी, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, अनकंडीशनल लव में आ चुके हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ पर्पस से रिलेटेड आप कुछ प्लान भी कर रहे हो कि हमें अपना पर्पस कैसे करना है, क्या करना है, तो अपने खुद से आपने दोनों ने प्लान किया हुआ है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने स्टार्ट कर चुके हो और आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए आप दोनों एडजस्टमेंट हर चीज़ कर रहे हो, कैसे क्या करना है, और पॉजिटिव वे में आ चुके हो एक दूसरे के लिए, बहुत अनकंडीशनल लव और हर किसी से अनकंडीशनल लव में आ चुके हो आप, आपको कोई बात ट्रिगर नहीं करती, चाहे कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो चाहे कोई भी हो, किसी की बात कोई भी आपको बुरी नहीं लगती, आप अंडरस्टैंडिंग से डील करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए अपने पर्पस की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और मिलने का प्लान भी आपका बना होगा, और 10-10 का पोर्टल है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके परमानेंट यूनियन होने वाले हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो हो सकता है ये आपको न्यू पावर्स भी मिलेगी और न्यू टाइमलाइन जब करोगे आप तो आपको हो सकता है आपको डायमेंशन आपका चेंज हो सकता है, कुछ भी आपको आज पावर्स मिल सकती हैं, अगर आपको पावर्स मिल रही हैं तो आपको हीट जरूर होगी, स्वेटिंग हो सकती है, तो अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और डिवाइन ब्लेसिंग भी आपको मिल रही हैं और पावर्स भी मिलेंगी, तो आप सबके लिए गाइडेंस है, ऑल चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, पेशेंस रखना है, ग्राउंडिंग करना है, ऑरा लॉक कीजिए, डेविल अटैक्स होने के पूरे चांस हैं।